नमस्कार दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 5:30 और ये तो आपको पता ही है, ये हमारा मशरूम प्लांट और रहने की जगह। ये आशीष जी भी उठ चुके हैं, ये हमारी गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ पे। मौसम बहुत ज़्यादा बेहतरीन, काफ़ी दिनों के बाद बारिश का मौसम हो चुका है, बारिश आई है। ऊपर माँ भगवती जी का मंदिर उफरिया देवी, और चलिए पानी की कुछ दिक्कत आई है, हम जरा देख के आते हैं पाइपलाइन में कहाँ पे समस्या है। ये मशरूम प्लांट हमारा, कुछ दिन बाद हम दोबारा इसमें काम शुरू करेंगे, लॉकडाउन में बंद था। तो तब तक मैं आपको सुंदर नज़ारे दिखाता हूँ यहाँ के सुबह सुबह के। ये मेन रोड है, ये देखिए नीचे कोहरा लगा हुआ है गांव में। इस तरफ गांव है, ये जो आपको दिख रहा है ये छोटा सा बाजार और फेमस देवराज खाल स्कूल। चलिए जरा पानी देख के आते हैं। तो हम चल पड़े हैं पानी बनाने के लिए। पानी आता है हमारा उन पहाड़ियों की तरफ से, लेकिन हम उतनी दूर नहीं जाने वाले, वो 20-22 किलोमीटर काफ़ी दूर है। हम जाएंगे इस तरफ पहाड़ में, यहाँ पर उसका एक जॉइंट है। तब तक आप देखिए सुंदर नज़ारे खेतों के, पहाड़ों के, नदियों के। कल जब आशी और मैं मार्केट से आ रहे थे दिन में, तो हमने एक सांड देखा था, वो रास्ते पे लेटा हुआ था। उसके गले पे तेंदुए ने नाखून और दांत मारे हुए थे, तो वो बस बैठा हुआ था। शायद वो बचा भी नहीं होगा अब तक, या उसको दोबारा उस पर हमला कर दिया होगा, इसीलिए हम अपने साथ हथियार लेकर आए हैं। ये देखिए, अकेले हाथों से हम तेंदुए का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, अगर वो आता है बाई चांस, इसीलिए। तो चलिए आगे देखते हैं, गाड़ियां निकल चुकी हैं कोटद्वार के लिए। एक सुंदर चीड़ के पेड़ और कोहरा घेरता हुआ पूरे पहाड़ को अपने आगोश में। ऐसे कोहरे में वैसे बाहर नहीं निकलना चाहिए पहाड़ों में, तेंदुआ कहीं भी छुपा हो सकता है और आपको दिखेगा नहीं। हम पहुंच चुके हैं पंचवटी, देखिए कितना ज्यादा कोहरा हो चुका है। अब हमें डर लग रहा है हम जंगल के अंदर कैसे जाएंगे, उस घने जंगल के अंदर जहां पर वो पाइपलाइन का कनेक्शन है और 2-3 गांवों के लिए पानी वहां से जाता है। ये देखिए, ये यहाँ का प्रतीक्षालय, विश्राम गृह, यात्री विश्राम गृह, ये देखिए। और ये ढाबा है हमारे गांव के किशन पाल जी का, ये देखिए। यहाँ से कौन कौन सी रोड कहाँ कहाँ जाती है, गंदगी देखिए, गंदगी तो काफी हो चुकी। चौबट्टा खाल, नौगो खाल, पार्टी सैंड, सतपुली, कोटद्वार, और इधर जाती है गवाणी, सीढ़ा खाल, पोखड़ा, बैजरों, बीरो खाल। और जिस रोड पे हम चल रहे हैं ये जाएगी चौबट्टा खाल, वहां से एक रोड निकल जाएगी दमदेवल, थैली सैंड, पाबो, पिनानी, और एक रोड निकल जाएगी नीचे एकेश्वर, कोटद्वार की तरफ। चलिए जंगल के अंदर जाने वाले हम, देखिए घना जंगल जहां हमने जाना है। ये देखिए सुबह के 5:30 बज चुके हैं और जंगल में चिड़ियों की आवाज आ रही है, खतरनाक जंगल। यहाँ तेंदुए, गुइड़, काकड़, भालू आते ही रहते हैं। ये पानी आता है हमारा 20-22 किलोमीटर और ऊपर, जहां से पहाड़ों के बीच में से आता है छुइयों का पानी, उसको स्टोर किया जाता है बड़े बड़े टैंक में जहां फिल्टर हैं लगे हुए, और वहां से पाइपलाइन के थ्रू यहां 24 घंटे। लेकिन आज कुछ प्रॉब्लम आ गई है, चलिए देखते हैं क्या समस्या है। लोगों ने काफी गंदगी कर दी है यहाँ पे, खाने पीने की चीजें फेंक रखी हैं, बियर की बॉटल्स, ये देखिए
पानी तो काफी तेज है। ये देखिए घना जंगल चीड़ का, एक पाइपलाइन यहाँ से जा रही है दूसरे गांव की तरफ नाई, और कितना फोर्स है पानी, कितनी आवाज आ रहा है। पाइप ठीक कर दिया हमने, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्लांट की तरफ। तब तक मैं आपको यहाँ से नीचे रोड के नज़ारे दिखाता हूँ। ये देखिए फोटोग्राफी के लिए बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये देखिए आशी जी, सुबह सुबह मैंने इनको उठा दिया, मैंने कहा चलो वॉक पे आते हैं। चलिए तो देखिए दोस्तों सुंदर नज़ारे। अब हम पहुंच चुके हैं अपने पाइपलाइन के पास, देखते हैं पानी आया कि नहीं आया। पानी आ चुका है, चलिए पानी के बचे हुए कार्यों को पूरा करते हैं। पहुंच चुके हैं अपने प्लांट के पास, पहाड़ों के सुंदर नजारे देखिए। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और लुफ्त उठाते रहिए पहाड़ों के मौसम का। चलिए फिर टाटा बाय बाय।